अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बर्ड स्पोर्ट्स टीवी। पिक्चर आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और इसके अलावा भी बहुत से ओहदों पे ये हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, चैनल भी इनका है, उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन अभी इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की एज अ पीसीबी चेयरमैन की हैसियत से, उसका जरा चट्ठा कट्ठा करते हैं कि इन्होंने क्या बातें की उसमें, क्या क्रिकेट जो है पाकिस्तान की फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट किया है नहीं किया। फिल वक्त तो लंबे वादे ही नजर आ रहे हैं, अभी डाटा के ऊपर काम चल रहा है। बात करता हूं सबसे पहले वकार यूनस के हवाले से। सवाल हुआ एज पर रिपोर्ट्स जो आ रही थी खबरें दो दिन से कि वकार यूनस जो है ना लाइकली टू बी एडवाइजर नहीं रहेंगे, लेकिन एक नई चीज सामने आई कि वकार यूनस जो है उनको मेंटोरशिप, जो पांच टीमों वाला कंसेप्ट है, लाहौर लायंस, फैसलाबाद, सियालकोट स्टैलियंस और फिर रावलपिंडी रैम्स, और जिस तरह से पांच टीमें 30-30 प्लेयर 150 प्लेयर पर मुश्तमिल, उसमें जो है ना वकार यूनस अब एक मेंटोर के तौर पर होंगे, एडवाइजर वो रहेंगे, लेकिन उनको सारी अथॉरिटी अभी आयन के तहत नहीं दी जा सकती। ये बात इन्होंने की और उन्होंने कहा, असिस्ट किया इन्होंने और सरफराज को। पहले मैं आपको बताऊं, सरफराज, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक और मिसबाउल हक और पांचवीं टीम से मालेंगे वकार यूनस। तो ये पांच मेंटोर्स होंगे, ठीक है। वकार यूनस हो गए, चलो अच्छी बात है, आप पॉपुलर डिसीजन पे लाए थे। डोमेस्टिक से कोई भी बंदा अटैच नहीं है, ना मिसबा अटैच है, ना वकार यूनस अटैच है, ना सकलैन अटैच है, ठीक है, वो कोचिंग में होते हैं, ना सरफराज जो वो खेल रहा है, करंट क्रिकेटर है, ये समझ नहीं आई। इस पे आते हैं, लेकिन शुएब मलिक हैं, वो भी अभी करंट क्रिकेटर है, खैर रिटायर होंगे। तकरीर जो उन्होंने उस पर, तकरीर ही कहेंगे, बात कहेंगे, जो भी कहेंगे उस पर हम बात करते हैं। डाटा जो है ना, उन्होंने कहा कि वो हमारे पास मौजूद नहीं है और अभी सर्जरी हम नहीं कर सकते, सर्जरी के हमारे पास टूल नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अभी हम पांच बंदों को टीम से निकालेंगे तो सेलेक्टर्स के पास बैक एंड पे कुछ होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे जो है ना वो टीम में बंदे नहीं आए, और मतलब हम कहें कि भाई ये डाटा हमारे पास है। अभी उन्होंने कहा कि हमने जो है ना किसी के गले हम नहीं काट सकते, तो ये बात है, गले तो कोई ऑब्वियसली नहीं काट सकते, ना काटने चाहिए, लेकिन सर्जरी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने ये बता दिया कि सर्जरी से मुराद ये है, सर्जरी क्या होनी थी, सर्जरी होनी थी कि जो फिट प्लेयर हैं आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर है, शाहीन है, और परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनको रेस्ट दें, उनको फिटनेस इंप्रूव करें, फिर टीम में लाएं। इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स यो टेस्ट चीजें, वो पता नहीं कब होंगी। इस पर करते हैं बात, बातें तो बहुत लंबी हैं वीडियो, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। फिर कहा 150 बंदा जो है हमने सेलेक्ट किया, किस डाटा पर सेलेक्ट किया 150 बंदा, ये पूछना जो है ना उनसे अहम है कि आपने क्या, उन्होंने उस पर पूछा, लेकिन उन्होंने कहा आप देखेंगे, आप खुद उसका वो कहेंगे और आपको हो जाएगा यकीन। 80% जो है कंप्यूटर बेस्ड डाटा उठाया, बाकी 20% कोई इंजर्ड था, कोई ये था वो था, तो उसको वो हुआ, ताकि आप कहते हैं कल को बात ना कर सकें। और पिक्चर भी नजर आ रहे हैं आपको, दीस 150 प्लेयर्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर चैंपियंस कप, 80% ऑफ इट हैज बीन डन बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा जो भी उठाया, डोमेस्टिक का उठा लिया, ठीक है। AI में अब पता नहीं ऐसी डाटा कहाँ से, मुझे नहीं समझ आता कि मिलता है इनको, AI से उठा लिया है। और 20% जो है ना वो ह्यूमन से, और कहते हैं नो बॉडी कैन चैलेंज, ऐसी बात नहीं है, चैलेंज हो जाएगा, बहुत से लड़के हैं जिनको चांस से मिलेगा आपको नजर आ जाएंगे, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या इन्होंने पास परफॉर्मेंस देखी है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन समझ कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता 150 प्लेयर कौन से हैं। फिर उन्होंने कहा जो मेरिट पे नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस मैटर करेगी, चीजें मैटर करेंगी, और अब ऐसा नहीं होगा, सिस्टम में डाटा आपके मौजूद होगा ताकि प्लेयर जो भी हैं और वो उसमें कर सकेंगे। और मेंटोर्स का काम देखो, आपने बनाए तो हैं मेंटोर्स, लेकिन मेंटोर्स उसमें करेंगे क्या, मेंटोर कोचिंग तो नहीं करेंगे, मेंटोरशिप करेंगे, मेंटोरशिप क्या, इतने सीनियर लेवल के लड़के अंडर 13-16 के तो नहीं होने लगे, ये लड़के तो सीनियर होंगे, वकार यूनस मैन मैनेजमेंट मेंटोरशिप में होंगे, तो ये बड़े सवाल हैं, ये सवाल अहम है, क्योंकि आपको जाना है एक्चुअल में बायो जो है ना मैकेनिक्स पे, किसी लड़के के फिटनेस के प्रॉब्लम है, इंजरीज के प्रॉब्लम है, उस पे जाना है। मोहसिन नकवी, बाकी क्रिकेटर्स थे आपके पास, राशिद लतीफ भी थे, बासित भी थे, वो नहीं आना चाहते, उनका है, लेकिन आप उनसे सजेशन ले सकते थे जैसा कि वो चाहते थे, क्योंकि वो डोमेस्टिक से कनेक्टेड हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने वो क्रिकेटर्स लिए जो पहले आ चुके हैं, मिसबा कोच रह चुके हैं, वकार पहले भी हो चुके हैं, और मिसबा जिस तरह आए, फिर हफीज आए, फिर जिस तरह वहाब आए, कोई लेवल की कोचिंग नहीं, कोई चीज़ें नहीं, डायरेक्ट टीम में और करो, और अब वो निचले लेवल पे काम करेंगे, मेंटोर की हैसियत से डोमेस्टिक में काम करेंगे, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको नजर आती हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए क्रिकेटर्स, लेकिन घुमा फिर आके फिर ना वो दो चार नाम आपके सामने आते हैं, तो उम्मीद करते हैं, उन्होंने भी उम्मीद का ही कहा। और फिर उनसे टीम की परफॉर्मेंस पर बात हुई कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो जो है
अभी हारे हैं मैच, पिच पे बड़ी बात हो रही है। उन्होंने कहा पिच रिपोर्ट मंगवा लेंगे, आज आनी थी पिच रिपोर्ट लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पिच देखो, पिच पे वो भी सेम पिच थी, उसमें मैच पे नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बुरा खेला और उन्होंने उस पर कहा कि 17 प्लेयर हमने दे दिए थे। लेकिन बात यह है कि वो जो 17 प्लेयर हैं उनका टीम सिलेक्शन कम्बिनेशन तो आगे टीम ने और उन्होंने करना था, प्लान अगर उनका वर्क नहीं किया तो वो उनका फैसला है, ये बात की है। इस पे भी मैं आप क्या कह सकता हूँ, ये तो मैच अगले पे ही पता चलेगा। आप तो लाले पड़ गए हैं कि हम मैच ड्रॉ कर दें, बारिश ना आ जाए अगले मैच में या हार ही ना जाएं, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या ये मतलब होगा अगले मैच में, वो तो बाद में बात करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से सवाल हुए, उन्होंने कहा मुझसे पहले कराची में मैचेस थे, मैंने शिफ्ट किया है क्योंकि यहाँ पे काम होना था, डस्ट होनी थी, सिक्योरिटी के लेबर आना था, तो फिर हमने करना था। और पिंडी वालों की आपने बैंड बजा दी, जो पिंडी में लोग काम करते हैं ना उनको आपने रगड़ा दे दिया, क्योंकि उनका जो है ना काम बंद हो गए, जो बाहर लोग काम करते हैं 5 दिन का गैप है, होटल नहीं खोले, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। और आपको ये क्रिकेट से रिलेटेड जो है ना ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन वेरी जो है ना मैनेजमेंट जो है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने उधर से शिफ्ट किया, इधर के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दिया आपने। फिर कहते हैं कि भाई 3 साल जो है ना से परफॉर्मेंस नीचे है। मैं आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ, जो सवाल हुए वो नहीं जा रहा, 3 साल से परफॉर्मेंस नीचे है, मेरे आने से नीचे नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि 3 साल से टीम जो है ना हुआ है, इसलिए अब 3 साल का मेंटोर हम लगा रहे हैं, तो उम्मीद कही उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि लीग्स, करंट लीग सवाल हुआ कि लीग जो खेलते हैं उसको वैल्यू किया जाएगा, उन्होंने कहा लीग्स को भी करेंगे, ओल्ड रिकॉर्ड को भी करेंगे, न्यू को भी करेंगे। और उसने कहा कि मेरा जो है ना मतलब आने से ये नहीं है, और मेरे आने से पहले से ये प्रॉब्लम जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना चल रही थी, और मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, आई डोंट हैव मैजिक वैंड, ठीक है, मैजिक स्टिक कह लें, वैंड कह लें, टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। अवर टेस्ट परफॉर्मेंस एट होम हैज बीन सेम फॉर 3 ईयर्स, व्हेन डिड वी विन द लास्ट। तो बाकी फॉर्मेट में क्या हुआ, टेस्ट में तो चलो मान लिया 3 साल से था, लेकिन मतलब ये जो है ना एक्सक्यूज अब नहीं चलेंगे। और बहुत सारी ये देखें डाटा पे बिलीव कर रहे हैं, बायो मैकेनिक्स पे काम करना चाहिए, और डाटा, एक प्लेयर अगर डाटा के ऊपर रन अच्छे करता है एक ईजी ट्रैक पे, ठीक है, क्या आप एक अच्छे परफॉर्म करने वाले को जिसने मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म किया है उसके डाटा से हट के किस तरह मैन मैनेज उसको करेंगे। खुरम नियाजी तो अभी भी सलमान बट राशिद, ये लोग बता रहे होते हैं अंडर 19 का लड़का मिस हो गया, 10 विकेटें वाला चला गया, 9 वाला नहीं गया, वो ज़्यादा टैलेंटेड था, तो इन चीज़ों को कौन देखेगा, ये सवाल है ना। मेंटोर क्या होगा, मेंटोर देखो अच्छी बात है, आई एम ऑल फॉर मेंटोरिंग, ठीक है, सरफराज करंट प्लेयर है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मतलब सोचना चाहिए, आपके पास और ऑप्शन भी थे, आप उनकी तरफ जा सकते थे, करंट प्लेयर में आपको जाना मस्त नहीं था, और डोमेस्टिक से जो कनेक्टेड लोग हैं ना उनको लेके आना चाहिए, रादर देन के जो टीवी पे भी होते हैं डोमेस्टिक में होते नहीं हैं फिर उनको आप ले आते हैं, तो ये भी एक बात है ना। और पॉपुलर डिसीजन होते हैं, बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो काम आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स सारे जो है ना ये बनते हैं, सलमान नसीर से लेके, खुरम नियाजी से लेके और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे इसी तरह हैं और काफ़ी टाइम से बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि बोर्ड वाले चेयरमैन चेंज होते हैं, ये लोग अपनी जगह रहते हैं और यही गाइड करते हैं ऐसे कर लें। प्रेशर में एक है डिसीजन, अच्छा है मैं समझता हूँ फैसला, लेकिन बायो मैकेनिक्स चीज़ें, फिटनेस, यो जब से बंद है चीज़ें, इन पर काम नहीं करेंगे लड़के, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी, ये मैं आपको स्ट्रेट अवे अभी बता रहा हूँ। उस पर कहा तो है, अभी तक कोई टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई कि फिटनेस क्या है। फिर हसन अली के हवाले से बात हुई, हसन अली का उन्होंने कहा कि इंजरी जो है वहाँ पे हुई है, और हसन अली की इंजरी जो है हमारा उनसे मुआहदा भी है शायद, उन्होंने कहा अलग, आई डोंट थिंक मुआहदा कुछ इस तरह का है, आप काउंटी पहले हसन अली इधर आए थे, उनका इलाज जो है इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कहा आप वहाँ इंजर्ड हुए हैं, हमारे उसमें नहीं थे, इसलिए आप वहीं से कराएं, तो काउंटी अब करा रही है, पता नहीं आगे लेते हैं वो प्लेयर्स नहीं लेते हैं, मसला हो जाता है। और उन्होंने कहा कि मेरी जो है ना रिज़ाइन की जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं ना, तो मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और उन्होंने यही कहा कि देखो मैं जो है ना अपना क्रिकेट को बेहतर इसको करके जाऊँगा, और मैं जो है ना जब तक क्रिकेट के मामला ठीक नहीं होते तो मैं कहीं नहीं जा रहा। लोग कह रहे हैं कि मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, चीज़ें हो जाएँ। और दूसरी तरफ अगर हम मोहसिन नकवी की बात करते हैं, देखें हम समझते हैं कि हर कोई क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन ईगो को अपनी मारना पड़ता है आपको, प्लेयर्स जो है ना प्लेयर की वजह से क्रिकेट है, ठीक है, तो प्लेयर्स को भी चाहिए अपने आप को वैल्यू करवाएं, वैल्यू है, वैल्यू नीचे जा रही है, क्रिकेट नीचे जा रही है, डिमेरिट पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, उस पर तो हम आए नहीं, पिचेस पे स्लो ओवर रेट के मसले हैं, स्पिनर खिला नहीं रहे, तो
पता नहीं क्या ये करते हैं क्या नहीं करते, रिजाइन बरल वो नहीं करते, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा कुछ दिनों में जो है ना वो उसका ऐलान हो जाएगा, सवाल काफ़ी हुए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं फिटनेस इंप्रूव, चीज़ें इंप्रूव, और ये जो है ना ये सारा डाटा बेस्ड है, डाटा बेस्ड चीज़ें कितनी उस पर रहती हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना चेंज लाएंगी अनटिल अनलेस कि आप अपने कोचेस को इवॉल्व करें। दुनिया जो है ना कोचिंग, बायो मैकेनिक्स चीज़ों पे काम कर रही है, तो इस पे सवाल किसी को करना चाहिए था। इस तरह के सवाल लोग नहीं करते, या पिंडी में बंद हुए चीज़ें उस पे बात नहीं करते। खैर लेट्स सी, उम्मीद तो रखनी चाहिए पॉजिटिव की, लेकिन यह कि डाटा बेस है, बाकी इदारों में वो संभालते हैं ना, जिस तरह गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्ट्री या बाकी जो है ना उनका अपना चैनल है 24, तो वो मेरा ख्याल है डिफरेंट है उसकी मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो पीसीबी में आपको ना ऑन ग्राउंड देखना पड़ता है, ऑन ग्राउंड मैकेनिक्स बायो मैकेनिक्स में देखना पड़ता है कि क्या काम हो रहे हैं, और आँख भी बड़ी चीज़ होती है, फिर डाटा फिर मैटर करता है। ऐसे डाटा कॉपी की तरह आपके आगे आ जाए डाटा और मेंटोर, अल्लाह करे, हम तो दुआई कर सकते हैं। बाकी देखते हैं यार, अभी हारी है टीम ना, मेरे में इतना जोर रहा है मैं बोलूँ, कितना बोलूँ, उस दिन हारे हैं, लेकिन आगे करते हैं बात, उम्मीद करते हैं कि यार हम होम में जीते हैं, नो मैच हारे हैं, हंसूँ रहूँ क्या करें, इस पर गुस्सा करें, समझ से बाहर सब कुछ कर चुके हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और लड़के भी ठीक हैं, सुनते नहीं हैं, तो ये पीसीबी भी इसी तरह है, तो सख्त अल्फाज हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, वीडियो लाइक करें, अल्लाह हाफिज़।